नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जबलपुर पुलिस में सूचीबद्ध गुंडा, बदमाश और आपराधिक छवि वाले लोगों को नजर रखी जा रही है। जबलपुर के गढ़ा थाना पुलिस ने ऐसे ही सूचीबद्ध गुंडा, बदमाश और आपराधिक छवि वाले लोगों को बुलाकर समझाइश दी कि वो चुनाव में किसी प्रकार का ऐसा काम न करे जिससे विधानसभा चुनाव प्रभावित हो। गढ़ा थाने में गुंडा, बदमाश और आपराधिक छवि वाले लोगों ने पुलिस के सामने आकर आश्वासन दिया कि वो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि कानून व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ऐसे गुंडे बदमाशों को थाने में बुलवा के संज्ञान ली गई है, क्या मामला है उसके आगामी चुनाव के लिए कुछ कहेंगे? जैसा कि वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाई गई है, क्षेत्र में निर्वाचन कार्य चल रहे हैं और थाना क्षेत्र में ऐसे लोग जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, एक से अधिक मामले दर्ज हैं जिनके विरुद्ध मारपीट, लड़ाई झगड़ा, संपत्ति संबंधी अपराधी, इनको रूटीन प्रक्रिया के तहत थाने पर बुलाया गया है और थाने पर बुला करके सभी को, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, इनको समझाइश दी गई है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई घटना वारदात ना करें। यदि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना वारदात यदि इनके द्वारा अंजाम दी जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारा उद्देश्य, शासन प्रशासन का उद्देश्य है कि हम निष्पक्ष और पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कराएं और निश्चित रूप से हम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज गढ़ा थाना क्षेत्र के जो भी निगरानी और गुंडा, बदमाश सूचीबद्ध हैं, इनको बुलाया गया था और इनको सख्त हिदायत भविष्य में अपराध घटित न करने के संबंध में दी गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।